अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड। यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी आपको कंफ्यूजन हुई है, कभी किसी ने पूछा हो कि ये आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, कभी किसी को यूज करते हुए देखा हो, कभी तो उसे इनमें सवाल आया होगा कि ये एटीएम कार्ड में फर्क क्या है, डेबिट कार्ड में फर्क क्या है, या क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है। आज की वीडियो है ही डिटेल में इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड बेसिकली इसमें दो लोगोस लगे होते हैं पाकिस्तान में, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड। अब है कुछ बैंक्स ने अमेरिकन एक्सप्रेस को भी शुरू कर दिया है, मगर वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड लगा होता है। इसके साथ आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती और आपके साथ कोई बैंक अकाउंट अटैच नहीं होता। यानी कि अगर आप लेट से कोई खर्चा करते हैं तो आपके बैंक से पैसे नहीं काटते। ये आइडियली यूज होता है शॉपिंग के ऊपर, आपने शॉपिंग करनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या ऑफलाइन शॉपिंग करनी हो, उसमें प्राइवेट यूज होता है। ये यूज हो जाता है बैंक्स के अंदर भी, शॉपिंग एटीएम के ऊपर भी यूज हो जाता है। मगर उसमें फर्क क्या है कि जब हम एटीएम के ऊपर ये यूज करते हैं तो आपका, चूंकि इसके पीछे कोई अकाउंट पैसे गिरवी रखे नहीं होते, इनका आपके अपने पैसे को होते नहीं है, तो ये आपके ऊपर उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आइडियली तौर पर एटीएम से पैसे कोई हाथ निकलवाता नहीं क्रेडिट कार्ड के साथ, ये यूजली शॉपिंग के लिए यूज किया जाता है। अब आती है बात डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड बेसिकली एक आपके पीछे एक आपका बैंक अकाउंट होता है जिसके साथ कनेक्टेड होता है, उसके साथ मिलते हैं। डेबिट कार्ड की वेरियस टाइप होती हैं, एक डेबिट वीजा कार्ड होता है, एक डेबिट मास्टर कार्ड होता है। देखिए डिफरेंट टाइप्स के साथ ये मिलता है और ये प्राइमरी लोग यूज करते हैं शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या एटीएम के लिए यूज किया जाता है। अब फर्क यहाँ पे ये है कि अब आप जब भी डेबिट कार्ड से कोई भी परचेज करते हैं तो फौरन आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, पैसे कम हो जाते हैं। और प्राइमरी लोग इसको शॉपिंग पे यूज करते हैं या क्रेडिट बैंक अकाउंट से विड्रॉल के लिए भी यूज करते हैं। कहीं के ऊपर भी जाके अगर आपका वीजा या मास्टर कार्ड लोगो हो तो वहां से जाकर पैसे निकलवा सकते हैं। फर्क इसमें यह होता है कि जो कि आपके इसमें अपने पैसे कनेक्टेड होते हैं तो जब आप पैसे निकलवाते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसे कम हो जाते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो ये कार्ड नहीं चलेगा, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक अकाउंट नहीं चाहिए होता है और वो उसके बगैर रनिंग में आता है। अब तीसरा कार्ड है डेट इज एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड बेसिकली यूज होता है सिर्फ आपके बैंक विड्रॉल्स के लिए यूज होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफर करते हैं कि अगर हमारा एचबीएल का अकाउंट है तो एचबीएल की ही बैंक से विड्रॉ होगा, एटीएम से विड्रॉ होगा और किसी एटीएम से विड्रॉ नहीं होगा। बट कुछ जगह जहां पे पाकिस्तान में वन लिंक आता है या यूनियन पे जो भी वन लिंक हो तो आप जहां पे भी वन लिंक लिखा हो वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, बैंक से फीस कटती है, मगर अगेंस्ट सब बैंक से ऑफर नहीं करते, कुछ बैंक ऑफर करते हैं। अब एटीएम कार्ड में मसला ये ना, आप इसे शॉपिंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इसे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और वो भी प्राइमरीली तौर पर अपने ही बैंक की किसी भी ब्रांच से। हाँ, कुछ बैंक ऑफर करते हैं जिनके पास वन लिंक का साइन, अगर आपके पास एटीएम कार्ड पे लगा हुआ है तो जहां जहां पे वन लिंक है पाकिस्तान में वहां वहां से आप इसे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ये था डिफरेंस बिटवीन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आई होप सो आपको समझ आया होगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।